इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं PNG ज्वेलर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। चलिए रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बच्चों से बात की। पीएम ने बच्चों की समस्याओं, कंपटीशन की भावना, अभिभावकों की चिंता, टाइम मैनेजमेंट जैसे कई सब्जेक्ट्स पर 2 घंटे चर्चा की और कहा कि कन्फ्यूजन की स्थिति अच्छी नहीं होती, इसलिए निर्णय लेना सबसे जरूरी है। आगे पीएम ने कोरोना काल का उदाहरण देते हुए बताया कि कोरोना से देश इसलिए निकल पाया क्योंकि देश के लोगों ने एकता दिखाई और साथ मिलकर लड़ा, और ये सिखाता है कि परेशानी के समय में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इस इवेंट में पीएम के साथ करीब 3000 स्टूडेंट शामिल थे। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 2 स्टूडेंट और 1 टीचर इस इवेंट में ऑनलाइन जुड़े थे। इसके अलावा देश के 100 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। कर्नाटक पुलिस ने प्रदेश के मांड्या जिले के कोरागोडू गांव लगे 108 फीट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज को उतार दिया। हनुमान ध्वज उतारे जाने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, जनता दल सेकुलर और बजरंग दल के सदस्यों के साथ साथ गांव और उसके आसपास के लोगों ने विरोध किया, जिस पर कर्नाटक पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर इस हनुमान ध्वज को लगवाया था और इसके लिए बकायदा ग्राम पंचायत से अनुमति भी दी गई। इस विवाद को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का भी बयान आया, जिसमें अधिकारियों की कार्रवाई और हनुमान ध्वज को उतारने उन्होंने उचित बताया। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से कहा कि वह 19 मई 2023 को दिए गए उस आदेश में बदलाव करे ताकि परिसर में जिस जगह पर शिवलिंग मिली थी उस जगह पर वैज्ञानिक सर्वे पर लगी रोक को हटाया जा सके। याचिका में मांग की गई कि कोर्ट पुरातत्व विभाग के महानिदेशक को ज्ञानवापी की उस जगह पर सर्वे का निर्देश दे जिस जगह पर कथित तौर पर शिवलिंग होने की बात कही गई थी, ताकि शील्ड क्षेत्र में मौजूद उस शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी प्राकृति और उससे जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाया जा सके। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले चुनावी हिंसा काफी बढ़ गई है। राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे दलों के बीच पहले से ही कई झड़पें हो चुकी हैं। ऐसी एक झड़प सोमवार को नजीमा नाड़ में देखने को मिली। इस झड़प में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुताहिदा कौमी मूवमेंट के कार्यकर्ताओं के बीच कई राउंड गोलियां चली, जिसके परिणाम स्वरूप मुताहिदा कौमी मूवमेंट के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है और 3 अन्य घायल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने देश में अगले 7 दिनों के भीतर नागरिक संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू करने का दावा किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि धार्मिक, सामाजिक और नीति पर विचार करने के बाद ही CAA को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि CAA को अचानक लागू करने से देश में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। गृह मंत्री की तरफ से इस फैसले को लिया गया है और इसे 7 दिनों के भीतर देश में लागू कर दिया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी। PNG ज्वेलर्स। अरब सागर में एक बार फिर समुद्री लुटेरों ने एक जहाज को निशाना बनाया। भारतीय अधिकारियों के अनुसार कोची से पश्चिम में करीब 700 नॉटिकल मील की दूरी पर ईरान के एक मछली पकड़ने वाले जहाज को सोमालियाई लुटेरों ने हाईजेक कर लिया। हालांकि इस घटना के बाद भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत जहाज के रेस्क्यू में लगाया और इन लुटेरों से इस जहाज को बचा लिया। अफसरों ने बताया कि ईरान के इस जहाज का नाम MV ईमान है और इसमें 17 क्रू सदस्य सवार थे। भारतीय युद्धपोत INS सुमित्रा ने इसमें सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। उत्तर में अयोध्या से लेकर पूरब में गुवाहाटी और पश्चिम में त्र्यंबकेश्वर से लेकर दक्षिण तिरुवनंतपुरम तक के शहर को केंद्र सरकार ने भिखारे मुक्त करने का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार का लक्ष्य भीख मांगने वाले वयस्कों, महिलाओं और बच्चों का सर्वेक्षण करके उनका पुनर्वास और विकास कर उन्हें नया जीवन देना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का लक्ष्य इन 30 शहरों में उन हॉटस्पॉट की पहचान करना है जहां लोग भीख मांगते हैं। इसके साथ ही 2026 तक इन 23 शहरों को भिखारियों से मुक्त बनाने के लिए जिला और नगर निगम अधिकारियों का समर्थन करना है। बता दें कि इन शहरों के सर्वेक्षण कराने के लिए
मंत्रालय फरवरी 2024 में एक नए नेशनल पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा ताकि भिक्षावृत्ति से लगे लोगों का डाटा तैयार किया जा सके। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भगवान राम की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज को राजभवन में सम्मानित किया। वहीं सम्मान को पाने के बाद अरुण योगीराज ने कहा कि लोग मुझे जो प्यार दिखा रहे हैं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इस अवसर के लिए भगवान राम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में फर्जी सर्टिफिकेट से संबंधित मामलों को कोलकाता हाई कोर्ट से अपने पास स्थानांतरित कर लिया। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को इस बीच अपनी दलीलें पूरा करने का निर्देश दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कोलकाता हाई कोर्ट की दो पीठों के समक्ष सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। दरअसल पश्चिम बंगाल में फर्जी प्रमाण पत्र के मामले पर कोलकाता हाई कोर्ट के दो जजों के बीच लड़ाई छिड़ गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। सीरियाई सीमा के पास पूर्वोत्तर जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर रात भर हुए ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य घायल हुए। इस बीच ईरान ने सफाई दी कि जॉर्डन में हुए ड्रोन हमलों से उसका कोई संबंध नहीं है। ईरान का ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान के बाद आया। दरअसल रात भर हुए ड्रोन हमले में मारे गए 3 अमेरिकी सैनिकों को लेकर जो बाइडन ने रविवार को कहा कि अमेरिका इसका जवाब देगा। बता दें कि बाइडन ने इस हमले के लिए ईरान समर्थित मलेशियाई को जिम्मेदार ठहराया है।